और पानी हमने थोड़ा सा गर्म लेना है, ज़्यादा गर्म भी नहीं पर थोड़ा सा गर्म लेना है, ठीक है। और पेशेंट को बोलना है कि वो अपने हाथ जो हैं वो 5-10 मिनट के लिए जो साबुन वाला पानी है पहले उसमें डाल दें। सेवेंथ पॉइंट है ये हमारा कि सोक द फिंगर इन द वॉर्म सोपी वाटर फॉर 5 to 10 मिनट्स। 5 से 10 मिनट के लिए अपनी उंगलियां और हाथ जो है उस पानी में डाल दें, और एक टाइम पे एक ही हाथ उसने पानी में डालना है, ठीक है। और एक हाथ डालने के बाद जब हम उसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे, उसकी केयर कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हैंड उसने उसमें डालना है, ठीक है। और एट पॉइंट है हमारा, रिंस हैंड विद क्लियर वार्म वाटर। जब हमने सोपी वाटर में डाल लिया, पानी साबुन वाले पानी से निकाला, उसके बाद हमने क्या करना है, क्लीन जो हमारा वाटर है, साफ पानी है, उसमें हाथ रखवाना है पेशेंट का, ठीक है। एंड आफ्टर दैट प्लेस टॉवल अंडर क्लाइंट्स ड्राइड हैंड। जो अब उसका हाथ, एक हाथ हमने क्लीन कर लिया है, उसके नीचे हमने क्या करना है, टॉवल रखना है, और जो हमारी फिंगर नेल है, ठीक है, टेंथ पॉइंट है हमारा, जो फिंगर नेल्स हैं उनके नीचे से, नेल्स के नीचे से हमने गंदगी निकालनी है। कैसे निकालेंगे हम, जो ऑरेंज स्टिक होती है, जैसे वो तीली होती है, ठीक है, जिसकी मैंने ग्रुप में फ़ोटो भी भेजी थी ऑरेंज स्टिक की, उस तीली से हमने क्या करना है, रिमूव करना है जो भी डर्ट होगी। उसके बाद ट्रिम नेल्स इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत है तो हमने क्या करना है, अगर ज़्यादा नेल्स पड़े हैं तो पेशेंट के नेल्स को हमने क्या करना है, कट करना है। देन शेप एंड स्मूथ नेल्स विद एन एमरी बोर्ड। उसके बाद हमने नेल्स को क्या करना है, जो उसके कॉर्नर है लाइक नेल्स के, ठीक है, उनको हमने क्या करना है, शेप करना है और स्मूथली। और एमरी बोर्ड, एमरी बोर्ड होता है हमारा जो फाइलर होता है जिससे हम नेल्स को शेप देते हैं, नेल फाइलर, उसके जैसे ही होता है, तो उससे हमने क्या करना है, स्मूथ एंड शेप देनी है नेल्स को। उसके बाद हमने क्या करना है, हैंड्स पे ड्राई ना हो इसलिए हमने लोशन लगाना है उस। अब ये हमारा एक हैंड का केयर हो गया, नेल केयर हो गया। उसके बाद यही सब स्टेप्स हमने क्या करना है, रिपीट करने हैं, ठीक है, 9 to 13। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि 9 to 13 जो हमारा स्टेप है ये हमने फिर से रिपीट करना है दूसरे हाथ पे भी। और उसके बाद जब हम नेल केयर कर लेते हैं, ठीक है, 15th पॉइंट है कि हैव द क्लाइंट एक्सरसाइज हैंड बाय अल्टरनेटिंग स्ट्रेचिंग देम एंड मेकिंग अ फिस्ट। जैसे मुट्ठी बना के उसको क्या करना है, अपनी कलाई मोड़नी है सर्कुलेटरी मोशन में, मतलब राउंड राउंड, ठीक है, ये एक्सरसाइज, मतलब बाजू स्ट्रेट करके और मुट्ठी बंद करके कलाई मोड़नी है, ठीक है, इन सर्कुलेटरी मोशन, दोनों हाथों से ये एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद रिमूव क्लीन एंड स्टोर इक्विपमेंट्स, ठीक है। उसके बाद हमारा केयर जब हो गया, फिंगर नेल्स का हमने कर लिया दोनों हाथों का, उसके बाद हमने क्या करना है, आर्टिकल्स क्लीन करने हैं अच्छे से और स्टोर करने, जो दोबारा यूज़ करने वाले हैं उनको अच्छे से बॉईल करके या स्टीराइल करके वापस रखना है जहाँ से हमने लिए हैं। और जो डिस्पोजेबल हैं, जो एक बार यूज़ करने के बाद डिस्पोज करने वाले होते हैं, उनको हमने क्या करना है, डिस्पोज करना है। उसके बाद हमने वॉश करने हैं हैंड्स। देन अगर हमने कुछ, लाइक हमने पहले बताया था कि ऑब्जर्वेशंस हैं कुछ की एबनॉर्मल हमने फाइंडिंग, जैसे किसी का डिस्कलरेशन है या कोई कट वगैरह है, तो वो एबनॉर्मल फाइंडिंग है अगर, तो वो हमने क्या करना है, अपना फाइल में, पेशेंट की फाइल में कि रिकॉर्ड करना है या फिर रिपोर्ट करना है हमने नर्सिस या सुपरवाइज़र को। नेक्स्ट इज प्रोसीजर ऑफ गिविंग, प्रोसीजर फॉर गिविंग टो नेल केयर, ठीक है। तो अब पैरों की उंगलियों के जो नाखून है वो हमने क्या किस तरह कट करने हैं, उनका क्या प्रोसीजर है, इसका भी सेम ही प्रोसीजर है ऑलमोस्ट। वैसे ही हमने क्या करना है, जैसे हैंड नेल्स में हमने करा, पहले इक्विपमेंट्स हमने गैदर किए, उसके बाद हैंड वॉश किए, ग्लव्स वियर करने हैं, देन पेशेंट को एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर की हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और इफ़ पॉसिबल तो हमने क्या करना है, पेशेंट को, क्लाइंट को हमने बेड से चेयर पे लेके आना है, क्योंकि बेड पे अगर पेशेंट लाई कर रहा है, लेट रहा है, तो हम उतने अच्छे से नेल केयर नहीं कर पाते हैं, तो हमने क्या करना है, उसको चेयर पे बिठाना है अगर पेशेंट बैठ सकता है तो, ठीक है। और उसके बाद बाथ मैट या टॉल ऑन द फ्लोर हमने क्या करना है, बिछा देना है, ठीक है, ताकि पानी वगैरह नीचे ना गिरे, फर्श पे ना गिरे, ठीक है। और उसके बाद फिल बेसिन विद वॉर्म सोपी वाटर। जो हमारा बेसिन है, ये हम लाइक वो बोल वगैरह लेते हैं, कटोरे वगैरह ले रखे हैं हमने बड़े वाले, उनमें जैसे बताया कि एक में सोपी वाटर और एक में नॉर्मल वाटर लेना है हमने, क्लीन वाटर। तो उसके बाद वो जो हमारा बेसिन है वो हमने नीचे रखा है, तो पेशेंट को हमने बोलना है कि उसमें अपना पैर
डिप करें 5 to 10 minutes तक। उसने क्या करना है, अपने पैर उसमें डिप करके रखने हैं। क्यों करके रखने हैं, ताकि नेल्स जो हैं, पैरों के नेल्स क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, तो सॉफ्ट हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, ट्रिम करने में या नेल केयर करने में क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा हमें। उसके बाद जब सोपी वाटर से पेशेंट ने पैर निकाले 10 मिनट के बाद, तो उसके बाद हमने क्या करना है, क्लीन वाटर में साफ करवाने, दूसरे बॉल में हमने पेशेंट को पैर डिप करने के लिए बोलना है। देन ड्राई करने हैं हमने किससे, टॉल से, जो हमने टॉल रखा है उससे हमने क्या करना है, उसके पैर क्लीन करने हैं। ठीक है, स्पेशली बिटवीन द टोज, मतलब फिंगर्स के बीच में। ठीक है, फिंगर्स के बीच में क्या होता है कि ज़्यादा गंदगी होती है, इन्फेक्शन होने का चांसेस होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से हमने क्या करना है, फोकस करना है, क्लीन करना है। एंड जेंटली क्लीन टोनेल्स विद एन ऑरेंज स्टिक, अगेन सेम वैसे ही हमने क्या करना है, ऑरेंज स्टिक से जो नेल्स है उनके नीचे की गंदगी को साफ करना है। इफ़ टोनेल्स आर लॉन्ग एंड नीड टू बी कट, रिपोर्ट टू नर्स सुपरवाइजर, और इफ़ द इन होम प्रोवाइडर पॉलिसी अलाउज, कट नेल स्ट्रेट अक्रॉस टॉप ऑफ द टो, मेकिंग सर्टेन द नेल डज नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द टो। हाँ, अगर जैसे हम होम पे केयर कर रहे हैं या हम हॉस्पिटल में केयर कर रहे हैं, अगर ज़्यादा बड़े नेल्स हैं, ठीक है, तो हमने क्या करना है, नर्सिस को हम रिपोर्ट कर सकते हैं कि इस पेशेंट को क्या है, नेल कट करने की ज़रूरत है, तो हम वो कर सकते हैं। ठीक है, हमने रिपोर्ट इसलिए करना है क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि कोई पेशेंट ऐसे होते हैं रिस्क पे होते हैं, जिनको जैसे डायबिटीज़ वाले पेशेंट है, अगर उनका थोड़ा सा भी कट लग गया तो उनको क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है और उनको घाव हो सकता है, और घाव उनको इजीली मतलब ठीक नहीं होता, वो फैलता जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने जो भी काम करना है वो पहले बता के करना है, मतलब रिपोर्ट करना है हर चीज़ के लिए जो भी हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, और तो हमने उसके बाद क्या करना है, नेल्स कट करने हैं। उसके बाद फाइल रफ एजेस टू प्रिवेंट स्नैगिंग, ठीक है, इंजरी ना हो, स्नैगिंग ना हो, उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या करना है, फाइलर और जो एमरी बोर्ड है हमारा उससे, ठीक है, शेप देनी है नेल्स को अच्छे से। एंड अप्लाई लोशन टू फीट, अवॉइड एरिया बिटवीन दी टोज, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, लोशन पैरों पे लोशन वो लगाना है, एंड जो टोज जो लाइक उंगलियों के बीच का जो स्पेस है उस पर हमने थोड़ा अवॉइड करना है। अवॉइड हम क्यों करेंगे, क्योंकि मॉइस्चर वहाँ पे वो हो सकता है, मॉइस्चर में लाइक इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह इजीली ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने जो अवॉइड एरिया बिटवीन द टोस यहाँ पे ऐसे इसलिए लिखा गया है। नेक्स्ट है रिमूव क्लीन एंड स्टोर इक्विपमेंट्स, ठीक है, अगेन हमने जो भी आर्टिकल जहाँ से सामान उठाया है वहीं पे रखना है, साफ़ करके, स्टिराइल करके, बॉयल करके, और जो डिस्पोजेबल है वो डस्टबिन में डालना है। ठीक है, एंड ग्लव्स रिमूव करने हैं, एंड देन वी विल वॉश आवर हैंड्स। एंड कोई भी हमें एबनॉर्मल फाइंडिंग लगती है, जैसे कोई लाइक स्किन रेड हुई पड़ी है या ब्लू हुई पड़ी है, या फिर कैलस या कॉर्न है, या कोई कट है स्किन में, तो हमने क्या करना है, नर्स और सुपरवाइजर को रिपोर्ट करना है। उसके बाद चैप्टर रिव्यू, तो सो आज हमने पढ़ा पर्पसेस ऑफ नेल केयर एंड ऑब्जर्वेशंस ड्यूरिंग द नेल केयर, स्पेसिफिक मेजर रिलेटेड टू नेल केयर, एंड फिंगर नेल केयर प्रोसीजर एंड टो नेल केयर प्रोसीजर, ये 5 चीज़ें हमने पढ़ी आज। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट एक्सरसाइज, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं, और सॉल्व करके अपनी नोटबुक पे लिखने के बाद ग्रुप पे पोस्ट करने हैं, दिखाने हैं आपने। ठीक है, आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया हो। इसके रिगार्डिंग किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, आप ये वीडियो देख सकते हो, और आपको जो प्रोसीजर का एक वीडियो भेजा है मैंने, जिसमें कि एक जो हेल्थ केयर पर्सन है वो पेशेंट की नेल केयर कर रहा है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो कि हमने कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। ओके, थैंक यू।